तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं जो नए सिरे से तो बात कर रहा हूं। अशोक जी ने ये सब कर तो दिया, लेकिन पिछले 20 सालों से इन राजनीतिक इन नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के चलते हुए ना तो ये राजभाषा बनी, ना इसे केंद्र में संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली। इसके लिए ये सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार है, ये सभी नेता जिम्मेदार है, वरना मजाल पड़िए 10 करोड़ मायल प्रेमिया ने या भाषा मान्यता से तसे, ये अन्याय है। 10 करोड़ राजस्थानियों के साथ अन्याय है। अगर मैं सब्जेक्ट पर बोलूंगा तो शायद कल सुबह तक बोल सकता हूं। अमेरिका में ओबामा प्रशासन के अंदर नौकरियों के लिए जिन भाषाओं का ज्ञान मांगा गया था उसमें राजस्थानी थी, और बी भगत रमा ने मारे राजस्थान में अगर मास्टर बनो है, मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप उसमें हिंदी थी, उर्दू थी, संस्कृत थी, पंजाबी थी, राजस्थान में मास्टर बनो राजस्थानी नहीं, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। आ तो आप बात करी थे ओबामा प्रशासन की, सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर दें प्लीज और साइलेंट कर लें, नहीं तो मेरे थॉट चले जाएंगे। तो हम 2011 में राष्ट्रपति भवन के जमाने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराऊं हरू, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्रतिनिधिमंडल में जो लेके गया उसके अंदर देश के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी इस प्रतिनिधिमंडल के हिस्से, उनकी भी हिस्सेदारी थी। ये कागजात है, मैं ये आप सब लोगों को दे दूंगा। जगदीप धनखड़ साहब भी चले थे, अभिषेक मनु सिंह साहब चले थे, और अब अगर राजस्थानी भाषा को केंद्र में मान्यता अगर नहीं मिलती है तो फिर कब मिलेगी। इस समय दोनों सदनों को चलाने वाले राजस्थान के हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, तो जगदीप धनखड़ जी जो है वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये तो हो गई बातें, हमने ये मारी जमान लो खोलो ताड़ो हुंडलो नेता डंकेरी चोट पहली भाषा पचे वोट, पर ये हम करने वाले कितने लोग होते थे न्यूयॉर्क में कनाडा में सब जगह हमने ये किए कैलिफोर्निया में, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हल निकलेगा अब, क्यों निकलेगा, उसका कारण है युवा शक्ति। आप ये समझ लो हम शायद युवा शक्ति को जगा नहीं पाए थे, हमारे में कहीं कमियां रह गई होगी। आज मैं गर्व के साथ ये पहली राजस्थानी भाषा की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं जहां मेरा हृदय अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि यह युवा शक्ति, ये आपके पश्चिमी राजस्थानी नहीं बल्कि युवा शक्ति का आइकॉन कहूंगा मैं, रविंदर भाटी जो जोधपुर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मैंने जब मैं इनसे बात करता हूं किसी भी विषय पे तो मुझे लगता है कि इनके अंदर एक आग है, ये आग ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएगी। जब मैं राजस्थानी विकास समिति की बात, युवा समिति की बात कर रहा हूं, अमेरिका में जो मेरे पास में वीडियो आते हैं जिस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए राजस्थानियों की तरफ से साधुवाद देता हूं आप लोगों को, और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ में तन मन और धन से हूं। ये तीसरी चीज भी आप लोगों के लिए, देखें आप लोगों ने इतना सिनेमा हॉल में प्रमोट करने के लिए राजस्थानी भाषा के लिए पूरे थिएटर बुक किए, पैसे का काम पैसे से होता है, मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूं, राजस्थानी भाषा का मेरे हृदय में भी वही स्थान है जो आप लोगों के साथ है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको कि आपके इस आंदोलन के अंदर धन की भी कमी नहीं आने दी जाएगी, युवा शक्ति आपके पास है। उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इन राजभाषा ने इन बजट के टाइम रमाए माए और ले गई, देखो हमारे साथ जो कमी थी, नेताओं को क्या चीज समझ में आती है, वोटों की भाषा समझ में आती है, दूसरों की भाषा की मैं बात नहीं करूंगा, आप समझिए आप, तो उनको जो समझ में आ रही है वो वक्त आ गया है, चुनाव का समय है। या मैं महात्मा गांधी ने क्या कहा वो आप लोगों को बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने पर मां की भाषा को छोड़कर दूसरी कोई भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूं, मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे आत्महत्या ही करते हैं। गांधी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं इस चीज को पहले दर्जे का राष्ट्रीय संकट मानता हूं। या मैं आपको नेल्सन मंडेला ने क्या कहा वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा, नेल्सन मंडेला ने यह कहा कि आप किसी व्यक्ति से बात करें अगर वो आपकी भाषा जानता है तो बात उसके समझ में आती है, लेकिन दोनों अगर मातृभाषा में बात करें तो वह बात उसके हिये में जाए। अपनी वाणी को विराम देता हूं, अब मैं चाहूंगा
कि हिमांशु शर्मा साहब और रविंद्र पाटिल जिसने, मैंने कहा जैसा कि आपको कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो अब मैं चाहूंगा कि अपने विचार बताएं, योजना बताएं, और अब हम हारेंगे नहीं, अब जो भी होगा इस भाषा को यहाँ राहत भाषा भी बनाएंगे और केंद्र में आठवीं अनुसूची में मान्यता भी दिलाएंगे। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।